गायस लाल कलर का सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए सबसे पहले हमारा चैनल पर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु, आप देख रहे हैं टेक्नो शांति यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ आप जियो फोन को कैसे मोबाइल पर आप बुक कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको विजिट करना होगा jio.com पर, या तो दोस्तों आप मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिर दोस्तों, यहां पे आने के बाद जैसे देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर जियो फोन का जो बैनर आ चुका है यहाँ पर। फिर दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपको करना होगा क्लिक, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जियो फोन नेक्स्ट का एक बैनर आ चुका है जिसका प्राइस भी आ चुका है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों, यहाँ पर आप कर पाएंगे, यहाँ पर बहुत कुछ देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या है। फिर दोस्तों, क्या करना होगा आपको, यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो फुल स्पेक्स है ये है, तो यहाँ पे हर चीज़ आ चुका है दोस्तों, देख सकते हैं बिल्कुल। तो दोस्तों, क्या करना होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेड इन फ्रॉम इंडिया फ़ोन है। फिर आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, फिर यहाँ पे वॉइस फास्ट कैपेबिलिटी है, फिर यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है आई एम इंटरेस्टेड बोल के दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आपका एंटर योर फुल नेम और आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर जो फिल करना होगा दोस्तों। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं फ़िल कर लेता हूँ सबसे पहले। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फ़िल कर चुका हूँ मेरा नेम और मोबाइल नंबर। फिर यहाँ पे करना होगा जनरेट OTP पे। जैसे आप OTP पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपके पास एक OTP आएगा। तो दोस्तों, OTP आने के बाद आपको मैसेज बॉक्स में जाना होगा। जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास OTP, दोस्तों जैसे OTP आ गया है, मैं OTP डाल देता हूँ, देख सकते हैं मैंने OTP डाल दिया है। फिर यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करना होगा। जैसे वैलिडेट पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका नेम और आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड करेगा। फिर दोस्तों, यहाँ पे आपको ऊपर में आना है। फिर दोस्तों, यहाँ पे ऊपर तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका लोकल एड्रेस और यहाँ पे पिन कोड और यहाँ पे फ्लैट नंबर वगैरह ये आपको सबमिट करना होगा दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे आपको डालना होगा जो भी है एड्रेस, और दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट तरीके से डाल लेना होगा। फिर दोस्तों, यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना। दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप एड्रेस डालेंगे, फिर यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा दोस्तों। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर डालना होगा। फिर यहाँ पे आपका OTP आएगा, तो यहाँ पे भी आप एक मोबाइल नंबर डाल। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर यहाँ पे आपको जनरेट OTP आएगा, तो ये OTP आपको वेरीफाई होगा। तो फिर OTP देने के लिए आपको यहाँ पे एक कैप्चा कोड डालना होगा दोस्तों, जो कैप्चा कोड है ये GC है। फिर आपको यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करना होगा। जैसे OTP पे क्लिक करेंगे, फिर OTP आएगा दोस्तों आपके पास एक मोबाइल नंबर पे। तो चलिए दोस्तों, आपके पास जैसे मेरे पास एक OTP आया है, मैं दिखा देता हूँ क्या OTP आया है। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो दोस्तों देख सकते हैं ये एक जियो कवर से OTP आया है। तो चलिए मैं इस OTP को डाल देता हूँ। तो दोस्तों, OTP डाल देता हूँ, फिर मैं इसको वैलिडेट पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वैलिडेट पे हो चुका है। फिर दोस्तों, यहाँ पे आपको लोकल एड्रेस और आपका इंटर पिन कोड और यहाँ पे फ्लैट नंबर डालना होगा। तो दोस्तों, जैसे आप डालेंगे, फिर यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये दोस्तों ये हो जाएगा सबमिट, देख सकते हैं दोस्तों ये हो चुका है सबमिट बिल्कुल। तो यानी आपके पास ये रजिस्टर हो चुका है फाइनली दोस्तों। तो आप इस तरह आप कर पाएंगे रजिस्टर दोस्तों।